सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नेवीज वाइब ब्लॉग। सो गाइस, आप सभी के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ हॉल वीडियो। सो गाइस, आज से पहले मैं गई थी कुछ दिन पहले अबनी मॉल। सो वहाँ से मैंने कुछ कुछ ख़रीद कर लाई हूँ। सो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। और आज वैसे भी मुहर्रम है। सो यहाँ पे मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वो एक एक करके मैं दिखाने वाली हूँ आप सभी को। तो पहला जो मैं ड्रेस दिखा रही हूँ वो मेरे बापू के लिए है, और यहाँ पे बाबू भी आ गया है जैसा कि देख सकते हैं, और ये पूरे ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये जो पहला ड्रेस था, ये गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, 70% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। सो ये ओनली मेरे को 79 रुपीज़ में पड़ा है, और काफ़ी प्यारा लग रहा था। और मैंने एक दो बार इसको पहना भी दी हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैं बाहर जा नहीं रही हूँ। और जब से मतलब बीमार पड़ी हूँ तब से मैंने बाहर का कोई ब्लॉग, लगता है एक बार गई थी जिस दिन ये मैं ख़रीद के लाई हूँ, आज लोड बारबेक्यू नेशन गई थी उसी दिन का ये है। सो मैं एक ट्राउज़र ली हूँ इसके लिए फुल, जो कि अभी मानसून सीजन है तो बहुत ठंडी बढ़ गई है। सो बच्चों के लिए तो फुल स्लीव्स के कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मैं एक पहला वो ट्राउज़र लेकर आई हूँ जो, और गाइस मैं एक बात बता दूँ, मेरे टंग पे अल्सर हो रखे हैं। सो अगर मैं कुछ भी गलत प्रोनाउंस निकलेगा तो प्लीज़ उसको माफ़ कीजिएगा। और एक ये लड़की का ही ड्रेस था, लेकिन अभी बाबू छोटा ही तो है, तो क्या ही पता चलेगा कि लड़का का है या लड़की का है। सो मैंने ये बाबू के लिए एक टी शर्ट लिया है जो कि येलो कलर में, और ये भी मैंने बाबू को एक दो बार पहना चुकी हूँ। सो गाइस, इसका भी बिलीव नहीं करने वाले हो, सिर्फ ओनली 79 रुपीज़ में ये पड़ा है, और ऑफ़र में था। तो मैंने कुछ कपड़े लिया, और ये मैंने एक अपने लिए ली हूँ, और ये भी मैं कोलकाता बाज़ार, कोलकाता एक आउटलेट है अबनी मॉल में इसका, तो वहाँ से ली हूँ। और ये आपको पटना में भी इसका आउटलेट मैंने देखा है, गांधी मैदान स्टेशन से जो गांधी मैदान रास्ते में जाते हैं तभी मिलता है ये बाज़ार कोलकाता, तो वहाँ पे आप विज़िट करके देख सकते हो। बहुत ही ऑफर चल रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन ड्रेसेस होते हैं, और बहुत ही चीप प्राइस में। सो ये एक टॉप था जो कि बहुत ही फैंसी लग रहा था, और मैंने पहले भी ऐसा पहन चुकी हूँ। सो अंदर में इनर है, और ऊपर से कुछ श्रग टाइप का है। सो काफ़ी प्यारा लग रहा, और बहुत ही स्टाइलिश लग रहा था, तो मैंने ले लिया। और मैं पहले भी ऐसा पहन चुकी हूँ अपने चाइल्डहुड में, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा। और जो आपको अंदर में इनर दिख रहा है उसको आप निकाल भी सकते हो, और अगर आपको पहनना हो उसके साथ तो अटैच भी करके पहन सकते हो, अदरवाइज आप एज श्रग भी यूज़ कर सकते हो इसको, या फिर इंडिविजुअली उसको आप कैमिसोल जैसा यूज़ कर सकते हो। सो काफ़ी प्यारा लग रहा है ये, और ये फ्लोरल प्रिंट इतना बढ़िया लग रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत ही, अभी तो बारिश का सीज़न भी है तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बाबू को देखिए क्या कर रहा है, और यहाँ पे देखें एक ये ट्राउज़र है जो कि ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, और बहुत ही कम चीप प्राइस में पड़ा था, ओनली 79 रुपीज़ का था। और ये घर में पहनाने के लिए अच्छे, थोड़े से बड़े ले लिए थे मैंने, और इसको अभी मैंने एक बार भी इसको वेयर नहीं करवाई हूँ, तो घर में ठंडियों में पहन सकता है। सो एंकल लेंथ के ये एक ट्राउज़र था, और यहाँ पे मैंने एक किड सेक्शन से लिया है एक, ये आप वन पीस बोलो या फिर नाइट गाउन बोलो, तो ये मैं एक ली हूँ जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। और मैंने ये वैसे ये डार्क ब्लू कलर में है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, और नी तक आएगा इसका लेंथ है।
सो वन पीस में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 13 से 14 ईयर ओल्ड के बच्चों के लिए, लेकिन मैंने ये अपने ले लिया था। और यहाँ पे बाबू को देख लो कि वो फ़ोन ही उठा कर ले जा रहा था, लेकिन फिर मैंने रख दिया। और ये कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। सो इसके साथ साथ मैंने और वहाँ से ये जो ये क्लचर्स और ये स्क्रंचेस हैं, ये मैंने मॉल से नहीं लिए, मॉल के बाहर का लिया हुआ है। सो ये मैं कल परसों लेकर आई हूँ। और ड्रेसेस तो मैं को आई थिंक 10 दिन पहले ली थी। और ये क्लचर ओनली मेरे को 20 रुपीज़ में पड़े हैं गाइस, और ये स्क्रंचेस ओनली 10-10 रुपीज़ का पर पीस है। सो काफ़ी अच्छा है। ये दोनों मेरी बड़ी बहन के लिए लिया है, और एक क्लचर भी लिया था। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिया है नेल पेंट्स, जो कि मैंने, और ये नेल पेंट रिमूवर है। सो अभी बस कुछ दिन रहना, 1 मंथ और, तो मैंने 2 नेल पेंट ले लिया और बहुत अच्छे शेड हैं इसके। एक मैंने लगा भी रखा है, देख सकते हैं ये वाली, तो ये कितना प्यारा लग रहा है कलर इसका। सो ज़ूडियो से ज़्यादा अच्छा था यहाँ का कलेक्शन मेरे हिसाब से। और ये नेल पेंट मैं वहाँ से नहीं ली हूँ, सो आप लोग ये मत समझना। और ये बाहर से लिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक मैं नेक पीस ली हूँ, मतलब मंगलसूत्र, जो कि आर्टिफिशियल है, गोल्ड का नहीं है। जैसा कि गोल्ड का मेरा दोनों टूट चुका है और उसको रिपेयर करवाऊँगी पता नहीं कब। तो ये देख सकते हो ऐसा कुछ है। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मंगलसूत्र मेरा कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं जल्दी से अपना मंगलसूत्र चाहूँगी कि वो जुड़वा दूँ, क्योंकि पतिदेव फ्री नहीं रह पा रहे हैं और वो पता नहीं कब मेरा जुड़वाएंगे। सो उनके कारण मेरा दोनों मंगलसूत्र पड़ा हुआ है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ये मेरा जो फेक ज्वेलरी और फेक मंगलसूत्र है वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।